माना कि इंडियन मार्केट में इस वक्त टाटा का दबदबा है। टाटा की गाड़ियों को लोग खास तौर से पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से जाहिर है कि गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है। और जिस तरीके से डिमांड बूस्ट हुई है, उस हिसाब से तो वेटिंग पीरियड जो गाड़ियों पर चल रहा है उसे सुनकर आपका सिर ही चकरा जाएगा। तो स्वागत है आप सभी का ऑटोनस्ट पर और मैं हूं आपके साथ ध्रुवत्री। देखिए, अगर आपका प्लान बन ही रहा है टाटा की तरफ जाने का, टाटा की किसी गाड़ी को खरीदने का, खासकर नेक्सन को लेकर अगर आप स्पेशल प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। चलिए छोटा सा झटका आपको वीडियो के शुरुआत में दे देते हैं और बता देते हैं कि प्रेजेंट में नेक्सन, जी हां, ये कॉम्पैक्ट एसयूवी इंडिया में इन दिनों टाटा के सभी मॉडल्स के मुकाबले सबसे ज्यादा डिमांड में है। तो आइए आपको बारी बारी बताते हैं टाटा नेक्सन पंच, टियागो, टिगोर, ऑल्ट्रोज, हैरियर और सफारी पर कितना वेटिंग पीरियड है। आइए सबसे पहले बात करते हैं नेक्सन पर चल रहे वेटिंग पीरियड के बारे में। 2023 कैलेंडर ईयर के तीसरे महीने में टाटा मोटर्स की नेक्सन एएमटी का वेटिंग पीरियड सबसे ज्यादा है। जी हां, अगर आपको नेक्सन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदनी है तो उसके लिए आपको 10 से 14 हफ्ते इंतजार करना होगा। वहीं आपका मन मैनुअल ट्रांसमिशन पर है तो उसके लिए आपको 8 से 10 हफ्ते वेट करना पड़ेगा। अब आइए आपको बताते हैं टाटा पंच को घर लाने के लिए आपको कितना इंतजार करना होगा। टाटा पंच को भी देखा जाए तो इसे काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि टाटा की यह सबसे किफायती और सेफ मॉडल है, जिसे खरीदने का अगर आपका मन बन चुका है तो उसके लिए आपको 6 से 8 हफ्तों का लंबा इंतजार करना होगा। और अब बात टियागो, टिगोर और अल्ट्रोस पर, जिस पर कस्टमर्स का दिल आया हुआ है और इन तीनों गाड़ियों पर चल रहा है लगभग 1.5 महीने का लंबा वेटिंग पीरियड। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं टाटा की दो शानदार एसयूवी पर, जिनकी चर्चा इन दिनों चरम पर है। जी हां, आप सभी समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं टाटा हैरियर और टाटा सफारी के बारे में, जिनके डिजाइन के साथ साथ कस्टमर्स को फीचर्स भी काफी ज्यादा पसंद है। स्पेशली एडास फीचर कस्टमर को खास तौर से इसे अट्रैक्ट बनाता है और कस्टमर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्ट भी करता है। वहीं अब आपको बता देते हैं कि इन दो शानदार एसयूवीज पर 6 से 8 हफ्तों की वेटिंग चल रही है, यानी अगर इन दोनों में से किसी एक गाड़ी को खरीदने का मन आपने बनाया है तो उसके लिए आपको 1.5 महीने से 2 महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है। तो आप बताइए कि इस वीडियो को देखकर आपके प्लान में थोड़ा बदलाव आया या नहीं। बाकी अगर हां, आप टाटा की तरफ ही जाने वाले हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप टाटा की कौन सी गाड़ी अपने घर लाने वाले हैं। वहीं इस इंफॉर्मेशन को सीमित मत रखिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बाकी लोगों को भी मिल सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।